प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग NCR में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहाँ से मात्र 0.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। और वहीं पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर, इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है, इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीन कर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहां आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है।